हमारे पास प्रमाण हैं, कैंसर वालों के हजारों प्रमाण मेरे पास हैं, सही होने के टेबे सही होने के हजारों प्रमाण हरिधाम सरकार के पास है, न्यूज़ नेशन को दीजिए प्रमाण के हरिधाम सरकार के पास प्रमाण है। और अगर आपके पास प्रमाण होगा मैं अपनी डिग्री छोड़ दूंगा, वो भी हमारे चैलेंज कर रहा हूँ, जिसको मांग रहा है मैं दूंगा। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप, एक प्रमाण दे दे, यहाँ पर डॉक्टर कपिल कह रहे हैं डिग्री छोड़ देंगे। आप फिर राहुल जी बोलिए, कोई रोगी को सही नहीं बोलिए, नहीं होता यही तो विश्वास करने का। डॉक्टर राहुल, क्या प्रमाण के साथ ये कहा जा सकता है कि बोलिए पानी फूटने से कैंसर ठीक है? मैं इस जल द्वारा दावे, अरे रोहित जी, अमृता जी, इनको तो प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट में दे दे, हमें दुनिया की कोई हस्ती कहीं बुला ले मैं आ जाऊंगा। रोहित जी, किसी का डर नहीं। रोहित जी, इनको सुप्रीम कोर्ट में दे दे, ये जल द्वारा बोलिए बोलिए राहुल। रोहित जी, इनसे कहिए प्रमाण पत्र जल द्वारा हमें दुनिया की कोई हस्ती बुला ले मैं सुप्रीम कोर्ट में दे, ये दे तो सही वहां पे प्रमाण पत्र। अरे बाबा, कोई रिपोर्ट है क्या आपके पास? बाबा, प्रमाण पत्र की रिपोर्ट है कि कैंसर ठीक हो चुका है? प्रमाण पत्र दो, हमें जरूरत नहीं है। प्रमाण पत्र दो बाबा, आप नेशन वांट्स टू नो। हमारे पास जो आएगा बेचारा रोते रोते, तो वो जल्द से हस्ते। हरिओम बाबा, मेडिकल रिपोर्ट है क्या कैंसर ठीक होने की? हमारे प्रमाण डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसका इलाज कैसे करते हैं और क्लियर कैसे करते हैं? बाबा दो तो सही, बाबा प्रमाण दो। अच्छा, साथ में से बोलो, साथ प्रमाण दो, प्रमाण दो। पेशेंट को हमारे पास आप आइए, बैठिए। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपको कैसे पता चल जाएगा? सुनिए, मेरा प्रश्न अभी अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर राहुल, हैव पेशेंस, थोड़ा सा तो मैं हरिओम जी से समझना तो है ना। अगर एक सेकेंड हरिओम जी, एक सेकेंड, एक सजेशन है, फिर अपने पॉइंट पे आऊंगा। अगर आप पानी को छूकर पानी को अमृत काम कीजिए ना, भारत सरकार को बताइए, सुप्रीम कोर्ट को बताइए, बहुत सारे रिसर्च का पैसा बच जाएगा, हम टैक्सपेयर का पैसा बच जाएगा। एहसान कर दीजिए हम पे भी, ये एहसान रहेगा, ताकि अगर आपको अंधविश्वासी बोल रहा है ना, वो दूर हो। लेकिन पॉइंट नंबर टू, आप जो भूतों से बात करते हैं, अरे सुनिए ना, मैं वो भाषा समझना चाह रहा हूँ, वो जो भूतों से बात करते हैं, कौन सी भाषा होती है? इंग्लिश में जो भूत अगर पकड़ लिया किसी को, अंग्रेज का भूत, तो उससे क्या अंग्रेजी में बात करते हैं? उड़ीसा का है, उड़िया में, महाराष्ट्र का भूत है तो मराठी में कैसे बात करते बात हैं? कह रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज। आप बोलो, उसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। अगर वो, यदि वो इंग्लैंड में मरा है तो वो अंग्रेजी भाषा बोलेगा, तो अच्छा, अंग्रेजी में बात उससे होगी, भूत से। अरे क्यों, उसका जन्मजात अंग्रेज में पला है, अंग्रेजों के साथ पला। अच्छा, है तो अंग्रेजी। अच्छा, तो मतलब बैठे बैठे भी आप भूत से बात कर सकते हैं? अभी में जन्मा है नहीं, तो मराठी भाषा का प्रयोग करेगा तो मैं ये समझना चाह रहा था, आप बैठे बैठे भी भूत से बात कर लेंगे कि किसी के ऊपर भूत आएगा तब आप उससे बात करेंगे? जी, बैठे बैठे भी भूत से बात कर लेते हैं, जब किसी पर भूत आएगा तभी बात होगी। अच्छा अच्छा, मतलब भूत तो अभी एक मिनट, हरिओम जी, तो मतलब भी किसी भूत से बात कर सकते हैं, जिसको अभी आपने हटा दिया था, साइड कर दिया था, उसका हालचाल बता दीजिए। हमारे सामने वो खेल रहा है तो हम उससे बात करेंगे, और नहीं खेल रहा तो उससे क्या बात होगी? अच्छा, मतलब अभी नहीं आप बात, आत्मा बोलती है, आत्मा परमात्मा का। तो आप कितनी भाषाएं जानते हैं ईश्वर? हरिओम जी, कितनी भाषाएं आप जानते हैं? क्योंकि आप तो भूत भगाने में एक्सपर्ट हो गए ना, तो मुझे बता दीजिए ना कितनी भाषाएं जानते हैं। एक तो इंग्लिश आपने बोल दी कि इंग्लैंड में किसी की मौत है तो अंग्रेजी भाषा में, भूत भगाने का नहीं, नहीं भूतों से बात करने के लिए भाषाएं जानते होंगे ना, कितनी भाषा जानते हैं? नहीं नहीं, वो इंग्लैंड में अगर जन्मा है, जन्मा है तो अच्छा, वो अंग्रेजी बोलेगा। अब हम तो ऐसे अंग्रेज भूत से भी सामना हुआ था आपका? हमारा अगर यहाँ स्थान है यूपी में, नहीं तो अंग्रेज भूत से भी सामना हो गया था ना आपका? हिंदी में बोलेंगे, हिंदी भाषा है हमारी, शुद्ध हिंदी देवनागरी लिपि है, मैं हिंदी में बोलूंगा। नहीं, मैं नहीं समझ पाया, फिर आप इसको सरल कर दीजिए ना, मैं अभी तो मतलब आपके पास आया हूँ, रास्ता तलाश रहा हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए ना, मुझे ये बताइए ना, आप अगर एक इंसान के ऊपर केरला से चढ़ के एक भूत आ गया जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, उसको कैसे भगाएंगे? प्रमाण मेरे पास है, वो अंग्रेजी भूत बोल रहा है, मेरे पास प्रमाण है, आप प्रमाण ले सकते हैं। मैं मांग रहा हूँ, प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए, रखिए रखिए। उससे हम अंग्रेजी एक कॉपी, मैं उस भूत को एक रजिस्टर दूंगा, पेन दूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ तो उससे मैं लिखाऊंगा, लिखो अपनी भाषा, अपनी भाषा लिखो, उसके बाद मैं अंग्रेजी जो यहाँ जानता होगा उससे मैं पढ़वाऊंगा, ये क्या मांग रहा है बोलो इसको, तो मैं उसी प्रकार उसको अच्छा, ऐसा, देता ऐसा कोई रजिस्टर तो होगा ना, मांग रहा है। दिखा दीजिए ना, ऐसा कोई रजिस्टर मराठी से मंगवा के दिखा दीजिए, ये जो लोग आपके प्रश्न उठा रहे हैं इनको जवाब मिल जाएगा।
को रजिस्टर दिखा दीजिए, इनको दिखा दीजिए, जरूरी है, इनको जवाब मिल जाएगा। प्रमाण है, एक मैं तत्काल दूंगा, ये प्रमाण मैं दूंगा। अरे कब देंगे सर? अब बस प्रमाण आधी रात में भेजवा दे। हरिओम जी कब देंगे? दे देते अभी तो अच्छा होता है ना, और अंग्रेजी में उसको भगाया है। अरे दे देते प्रमाण अच्छा होता ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, वही पानी जो आपके पास है। अभी मैं दे रहा हूँ आपकी, ये जो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो, मैं वही वही हाथ वाला पानी, मुझे गर्व है इस जल पर। हाँ मुझे जल रखिए ना, वो गर्व हम भी कर लेंगे प्रमाण यही जल द्वारा, प्रमाण गर्व है इस जल पर, प्रूफ 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 जी। और हमारे पास कैंसर वाले सही हुए प्रमाण है, कभी वो भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, लीजिए भाई इतना प्रमाण दे दीजिए, हो चुका है जिनका इतना प्रमाण दे दीजिए, सही दूंगा MRI सिटी स्कैन सही दूंगा। उसमें क्या ये होगा कि आपके आपके फूकने के बाद ठीक हुआ? और जितने टीवी वाले प्रमाण में आप ये देंगे कि आपके फूकने के बाद कैंसर ठीक हो गया, आपके बोतल के पानी को पिलाने के बाद ठीक हो गया? एक सवाल है इनसे। हाँ इसके लिए सुन लो, अब प्रमाण हमारी सुनिए, हमारे सुनो, हमारे डॉक्टर चीमो साहब कान पड़ते हैं, हाथ रिकॉर्डिंग कर लिए, पेन चल रहा है, कॉपी पे लिखा जा रहा है, पेन चल रहा है, मेरी बात सुने पहले, काटे नहीं, हमारी बात चल रहा है कि कोई मेरी बात काटेंगे नहीं, मेरी बात सुने, बताइए बताइए, मेरी बात सुने पहले। हाँ बोलिए बोलिए महाराज जी, मेरी बात सुने, हमारी बात सुने, चीमो डॉक्टर साहब, सीमो डॉक्टर साहब माती मुख्यालय कानपुर देहात में बैठते हैं, जिनका मेन जो पैरोकार होता है वो हजारों की दवा नहीं लखों की दवा आपके पास वीडियो है कि नहीं? हाँ या ना में बोलिए, मात्र 10 साल थी, भूत का लिखा हुआ कोई आपके पास वीडियो है कि भूत लिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग करिए तो वो हरिधाम सरकार, हाँ या ना में बोलिए, रिकॉर्डिंग करिए नहीं करी भूत की लिखते हुए कॉपी पेन पे, पूरा रिकॉर्डिंग करिए अपने मोबाइल से, अवश्य अवश्य रिकॉर्डिंग है, अवश्य वीडियो है, तो रिकॉर्डिंग है तो इनको दिखाइए, तो न्यूज़ नेशन को भेजिए, काटने का प्रयास ना करें, पहले मेरी बात सुने, अभी आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है मुझे, मेरी बात तो सुने, हमारी बात काटने का प्रयास ना करें, मेरी बात पहले सुने, फिर मैं आपको बोलने का समय दूंगा, मेरी बात सुने। सेमो डॉक्टर साहब का भतीजा डॉक्टर, सेमो डॉक्टर साहब का भतीजा बीमार था, जो कि दवाओं का खजाना में रहते हैं वो, लेकिन दवा खाते रहे, ऐसा है, आप ये कहानियां अपने भक्तों के लिए रखिए, होकर के हरिधाम सरकार में आए, प्रवचन अपने भक्तों के लिए रखिए, यहाँ पे प्रमाण दीजिए, जो ये पूछ रहे हैं वो डॉक्टर साहब क्या बताइए आप, ये प्रमाण सीमो डॉक्टर साहब प्रमाण है, कानपुर देहात माती मुख्यालय में जो बैठते हैं वो बाल योगी हरि ओम महाराज के पास प्रमाण है, जो में आपने कोई रिकॉर्डिंग करी है? नहीं कोई रिकॉर्डिंग करी है, नहीं होता भूत लिख रहा है, पेन हवा में है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, ये हाथरस में प्रवचन होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक सॉफ्टवेयर भी आता है, लोगों को ध्यान दिया जाता है, गरीब आशा जाते हैं रोते रोते उनको आशा कर भेजा जाता है, यहाँ आशा दीन दुखियों की सेवा की जाती है, प्रवचन होता है तो हाथरस में होता है। स्वामी जी